7 का 1 देखेंगे, इसमें sin थीटा बराबर दिया 4/5, sin थीटा बराबर लिखा है 4/5, ठीक है। sin थीटा का फार्मूला होता है p / h, देखिए वो ऊपर वाला p के मान, नीचे वाला h के मान, क्या नहीं दिया, b नहीं दिया, तो लिख देंगे p बराबर 4, h बराबर 5 और b के मान नहीं दिया तो बार पाइथागोरस प्रमेय से बाबू जाएंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लगा देंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का मान 5 तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, p का मान 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान नहीं दिया तो b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो लिखेंगे 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर, 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर b स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा 9, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, b बराबर कितना, रूट में 9, इसलिए b बराबर हो जाएगा 3, रूट होता है 3। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू जाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos का फार्मूला b / h, b का मान अपन निकाले 3 तो 3, h का मान 5 तो लिखेंगे 3/5 आंसर। आगे क्वेश्चन है tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे b / b, b के मान बाबू, b के मान उसमें है 4 और b के मान निकालना है 3, 4/3 आंसर। देखिए बाबू आगे सारा क्वेश्चन मतलब बहुत लगभग 10-11 तक क्वेश्चन सब इसी टाइप पे है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे जो अगला टाइप होगा उसको हम खुद से बताएंगे।